नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैतून का तेल हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इतना ही नहीं, सौंदर्य प्रसाधनों, औषधियों और खाना पकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैतून के पेड़ से इस तेल को निकाला जाता है। जैतून का इस्तेमाल करने से त्वचा और बालों से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसमें विटामिन्स, मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स और फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑलिव ऑयल फाइटोकेमिकल से भी युक्त होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। वैसे तो जैतून के तेल की कई किस्में बाजार में मौजूद हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को सेहत के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। तो दोस्तों बात की जाए जैतून के तेल के फ़ायदों के बारे में, तो दोस्तों जैतून का तेल हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। इससे आपका दिल स्वस्थ रहता है, आपको कैंसर होने की समस्या कम रहती है और आपका वज़न भी नहीं बढ़ता है, जिससे कि मोटापे की समस्या नहीं रहती है। ये आपके मानसिक हेल्थ के लिए भी लाभदायक है। इसका सेवन करने से आप डिप्रेशन की समस्या से बच सकते हैं और ये आपकी त्वचा को जवान रखता है और बूढ़ा होने से बचाता है। इससे डायबिटीज़ की समस्या कम होती है और स्तन कैंसर के जोखिम घटते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इसका फ़ायदा है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अतिरिक्त तो शुद्ध जैतून का तेल आपके LDL यानी कि कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। LDL के कारण धमनियों में संकुचन पैदा हो सकता है। जैतून का तेल शरीर में HDL यानी कि उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो सुरक्षात्मक भूमिका निभाता है और अवांछित खून के जमने, दिल के दौरे और स्ट्रोक के प्रमुख कारण को रोकने में मदद करता है। जैतून के तेल से कोलेस्ट्रॉल घटाने वाले प्रभाव का आनंद लेने के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार खाने में जैतून के तेल का उपयोग करें। इससे दिल के रोग का खतरा टलता है। जैतून के तेल से दिल मजबूत होता है और दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में भी फायदेमंद है। आंतरिक चिकित्सा के अभिलेखागार 2000 में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार जो लोग हाई BP के लिए दवाएं ले रहे हैं वो ब्लड प्रेशर की मात्रा को कम कर सकते हैं। अपने खाना बनाने में जैतून के तेल का उपयोग करें। शोधकर्ताओं का मानना है कि जैतून के तेल में मौजूद ऑलिक एसिड आसानी से शरीर में अवशोषित हो जाता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये तेल स्वस्थ मोनोसेचुरेटेड फैट की उपस्थिति के कारण दिल की उम्र को भी बढ़ाता है। हाई ब्लड प्रेशर को नियमित रखने के साथ युवा और स्वस्थ दिल का आनंद लेने के लिए खाना पकाने के लिए जैतून का तेल का उपयोग करें। खाने में जैतून का तेल का उपयोग करने से शरीर का रक्त परिसंचरण सुधरता है और इससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है। साथ ही साथ दोस्तों ये डायबिटीज़ को भी दूर रखता है। शुद्ध जैतून का तेल शुगर के उपचार में लाभदायक है। ये शुगर की शुरुआत को रोकने में मदद कर सकता है और ये रक्त में शर्करा नियंत्रण में सुधार करता है और इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इसके अलावा जैतून का तेल ट्राइग्लिसराइड का स्तर बनाए रखने में मदद करता है। अपने रक्त में शर्करा के स्तर को संतुलित बनाए रखने और टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम करने के लिए आप अपने दैनिक आहार में जैतून के तेल के 2 बड़े चम्मच शामिल करना शुरू कर दें। साथ ही साथ दोस्तों जैतून का तेल जो है ये सूजन के लिए भी लाभकारी है। जैतून का तेल लंबे समय से चली आ रही सूजन को कम करता है और इस लंबे समय से चली आ रही सूजन से दिल के रोग, कैंसर, डायबिटीज़, अल्जाइमर और गठिया जैसी कई बीमारियां हो सकती है। मॉन एल केमिकल सेंसस सेंटर द्वारा 2005 में किए गए एक स्टडी के अनुसार जैतून के तेल में सूजन को कम करने वाले गुण हैं, जो कि शरीर में सूजन पैदा करने वाले एंजाइम को रोकने में मदद करता है। दैनिक आधार पर भोजन में शुद्ध जैतून के तेल के 1 से 2 चम्मच का उपयोग सूजन और सूजन से होने वाले रोगों के खतरे को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों जैतून का तेल जो है ये आपकी हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है। क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी और चयापचय नामक पत्रिका में 2012 में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार जो लोग जैतून और जैतून के तेल से बना भोजन खाते हैं उनकी हड्डियाँ स्वस्थ और मजबूत रहती है। जैतून का तेल ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है और इसके रोजाना सेवन से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है। आप नियमित रूप से खाना पकाने में या मालिश के तेल के रूप में अपनी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए इस तेल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये आपको कैंसर से भी बचाता है। जैतून के तेल में पाया जाने वाला पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट सूजन कम करके कई प्रकार के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। BMC कैंसर में 2008 में प्रकाशित एक स्टडी में पता चला है कि शुद्ध जैतून के तेल में कैंसर विरोधी घटक होता है, जो कि स्तन कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। जैतून का तेल प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को भी कम कर सकता है। विभिन्न प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए प्रतिदिन शुद्ध जैतून के तेल यानी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के 1 से 2 चम्मच का
सेवन करें। साथ ही साथ दोस्तों ये आपके दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। जैतून के तेल का दिमाग पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, जिससे कि ये संज्ञानात्मक हानि यानी कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के जोखिम को कम करता है। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के 2013 में प्रकाशित एक अन्य स्टडी से पता चला है कि शुद्ध जैतून के तेल में फेनोलिक घटक पाया जाता है, जो कि अल्जाइमर और डिमेंशिया से जुड़ी दिमाग की कमजोरी को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये डिप्रेशन के खतरे को भी कम करता है और साथ ही साथ दोस्तों ये वजन घटाने में भी फायदेमंद है। जैतून के तेल को सही मात्रा में लेने से वजन घटाने में मदद मिलती है। इसमें ज़्यादातर स्वस्थ मोनोसैचुरेटेड फैट होता है, जिससे कि वजन और पेट की चर्बी को कम करने में मदद मिलती है। खाद्य रसायन विज्ञान के जर्मन रिसर्च सेंटर से 2013 की एक स्टडी में पाया गया है कि जैतून के तेल की महक की वजह से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे कि लंबे समय के लिए भूख नहीं लगती और चीनी खाने की इच्छा भी कम हो जाती है। मोटापे से निपटने और वजन घटाने के लिए हर दिन 1 से 2 चम्मच शुद्ध जैतून के तेल का सेवन करें। साथ ही साथ दोस्तों जैतून का तेल आपके चेहरे के लिए भी फायदेमंद है। जैतून का तेल त्वचा के लिए एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। इसमें विटामिन ए और ई के साथ ही कई अन्य खनिज और फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि त्वचा को नरम और चिकनी बनाता है। जैतून का तेल त्वचा की उम्र को बढ़ने से रोकता है, साथ ही झुर्रियां और फाइन लाइन से त्वचा की रक्षा करता है। ये स्ट्रेच मार्क से भी छुटकारा दिलाता है। नियमित रूप से नहाने से पहले गर्म जैतून के तेल के साथ शरीर की मालिश करने से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है, जिससे कि आपकी त्वचा में चमक आती है। आप सर्दियों के दौरान होठों के फटने से रोकने के लिए बाम के बजाय जैतून के तेल का उपयोग कर सकते हैं और इसके अलावा आप एक प्राकृतिक मेकअप रिमूवर में के रूप में भी जैतून के तेल का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बालों के लिए भी जैतून का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। जैतून का तेल फैटी एसिड, कई एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई से भरपूर होने के कारण ये सूखे और क्षतिग्रस्त बालों के इलाज के लिए एक मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है। जैतून का तेल 2 मुहे और गुंगराले बालों की समस्याओं के लिए सही समाधान है और ये आपके बालों को मजबूत भी बनाता है। तो बात की जाए इसे इस्तेमाल करने के तरीके की, तो सूखे बालों को पोषण देने के लिए आप अपने सिर की गुनगुने जैतून, जो कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उस तेल से मालिश करें। इसके लिए अच्छी तरह से अपने सिर और बालों पर तेल लगाएं, फिर अपनी अंगुलियों से 5 मिनट के लिए सिर की मालिश करें। एक गर्म तौलिए के साथ अपने बालों को कवर करें और 30 मिनट या रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह अपने बालों को शैम्पू करें। ये उपाय सप्ताह में एक बार जरूर करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जैतून के तेल का उपयोग कैसे करें। तो जैतून के तेल को आप सलाद के ऊपर छिड़क सकते हैं। मीट, मछली और सब्जियां बनाते समय उन्हें पहले जैतून के तेल में पका लें। खाना बनाने के अंत में थोड़ा सा जैतून का तेल छिड़क दें, उसे खाने में स्वाद आता है। ब्रेड पर मक्खन का उपयोग करने की जगह जैतून का तेल इस्तेमाल करें। खाना बनाते समय जैतून के तेल का प्रयोग करें और चटनी बनाते समय जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। और बात की जाए कि जैतून के तेल की तासीर क्या होती है, तो जैतून के तेल की तासीर ठंडी होती है और इसकी ठंडी तासीर होने की वजह से इसे गर्मियों में मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे जैतून के तेल के नुकसानों के बारे में। तो दोस्तों त्वचा पर जैतून के तेल का ज़्यादा इस्तेमाल मुहासे की समस्या पैदा कर सकता है। अगर आपकी त्वचा तेलीय यानी कि ऑयली स्किन है, तो इसके चिपचिपेपन और तेलीय प्रकृति के कारण आपको पूरी तरह से जैतून का तेल इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जैतून का तेल जब आपकी तेलीय और चिकनी त्वचा के साथ जुड़ता है, तो ये गंभीर जलन, चकत्ते और आपकी त्वचा पर लालिमा का कारण बन सकता है। साथ ही साथ जैतून का तेल बहुत ज़्यादा शुष्क त्वचा यानी कि ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा विकल्प नहीं है। कई स्टडी से ये निष्कर्ष निकला है कि जैतून के तेल में ऑलिक एसिड पाया जाता है, जो कि त्वचा की प्राकृतिक मॉइस्चराइजिंग क्षमता को खत्म कर देता है। साथ ही साथ अपनी बेहद चिपचिपी और तेल प्रकृति के साथ जैतून का तेल आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स पैदा कर सकता है। कई लोगों के लिए जैतून का तेल तीव्र एलर्जी पैदा कर देता है और अगर आपको भी इससे एलर्जी है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करें। अधिक मात्रा में जैतून के तेल का सेवन आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, जो कि हमारे संपूर्ण हेल्थ के लिए हानिकारक है और हमें चक्कर आना, स्ट्रोक और गुर्दे की विफलता जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। जैतून के तेल में अधिक वसा होने के कारण ये पाचन विकार का कारण बन सकती है और दस्त जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं को पैदा कर सकती है। जैतून के तेल का अधिक सेवन वजन बढ़ाने का कारण भी बन सकता है। और साथ ही साथ आपको कुछ आवश्यक बातों का ध्यान भी रखना है कि जैतून के तेल से विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित करें कि आप शुद्ध जैतून के तेल का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही जैतून के तेल का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करने से बचें। इस तेल को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें, गर्मी और प्रकाश से दूर रखें और 2 महीने के भीतर इसका प्रयोग करें।
शोध बताते हैं कि जैतून के तेल में पोषक तत्वों की गुणवत्ता में 2 महीने की अवधि के बाद कमी आ सकती है। अपने जैतून के तेल को स्टोव के पास ना रखें, गर्माहट से इसे नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।